क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी ओमिक्रोन ने खराब कर दी है। ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी पर पहले से ही प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले दिल्ली की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पार्टी पर बैन लगाने का नोटिस जारी किया है। ऐसे में आपके मन में पार्टी को लेकर कई तरह के सवाल आ रहे होंगे, जैसे बार और पब खुलेंगे, अगर नहीं तो क्या घरों के अंदर पार्टी की जा सकेंगी, क्या हम घर के बाहर निकल सकेंगे। ऐसे ही 10 सवालों के जवाब हम देंगे। पहला और दूसरा सवाल तो ये ही है कि क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर DDC ने क्या नियम जारी किए हैं। तो आपको बता दें, नियम ये है कि क्रिसमस और न्यू ईयर दोनों में सार्वजनिक जगहों पर कोई पार्टीज नहीं होंगी, इन पर रोक लगा दी गई है। पब्लिक प्लेस में किसी भी तरह की गैदरिंग नहीं होगी। तो क्या हम घरों पर पार्टी कर सकेंगे? जवाब है हाँ, हम घर में पार्टी कर सकेंगे। DDM ने पब्लिक प्लेस में पार्टी पर बैन लगाया है, घरों पर नहीं। आप घर पर पार्टी करें, लेकिन ज्यादा भीड़ बुलाने से आपको भी बचना चाहिए। चौथा सवाल, क्या दिल्ली में बार, पब और रेस्टोरेंट्स खुलेंगे? जी हाँ, ये सभी खुलेंगे, लेकिन इन्हें सिर्फ 50% की कैपेसिटी के साथ ही सर्विस अलाउड होंगी। आप इन जगहों पर जाकर पार्टी कर सकेंगे, लेकिन ये पार्टी पार्टी की तरह नहीं होगी। पांचवा सवाल, क्या हम बाजार जा सकेंगे? तो आपको बता दें, बाजार जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन सख्त आदेश है कि सभी को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना होगा। छठा सवाल, शादी समारोह के लिए क्या नियम होंगे? शादियां तो होती ही रहेंगी, लेकिन गेस्ट लिमिटेड कर दिए गए हैं। शादी में अब 200 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। सातवां सवाल, क्या स्कूल कॉलेज खुलेंगे? प्रदूषण के चलते स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब वापस स्कूल और कॉलेज दोनों खुल चुके हैं। अभी इनके खुलने या बंद होने को लेकर कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। आठवां सवाल, क्या धार्मिक स्थलों पर जाने पर रोक होगी? नहीं, मंदिर, मस्जिद या अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाने पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन यहाँ कोई बड़ा आयोजन नहीं हो सकेगा। नौवां सवाल, स्टेडियम को लेकर क्या नियम है? स्टेडियम्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम सभी कुछ चालू रहेंगे, यहाँ आप प्रैक्टिस कर सकेंगे, लेकिन हाँ, कोई दर्शक नहीं आ पाएगा। दसवां और आखिरी सवाल, क्या राजनीतिक रैलियां और कार्यक्रम होंगे? तो आपको बता दें, दिल्ली में वो चाहे धार्मिक हो या फिर राजनीतिक, सभी प्रकार की रैलियां और आयोजनों पर रोक लगा दी गई है, मतलब किसी भी तरह की रैलियां नहीं होंगी। तो ये थे वो 10 सवाल जिनके जवाब हमने आपको दिए हैं। ऐसे ही लॉकडाउन या पाबंदियों को लेकर आपके मन में जो भी कुछ सवाल आ रहे होंगे, हमें कमेंट में बताइए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ऐसे ही और नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।